मैं सरकार से बात करना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने एक केस आ रखा है, तुम शांत बैठे हो उसमें। तो रेखा आर्या जी जो मिनिस्टर है और खुलेआम बोल रही है, मेरे को बोला जाता है जो उन्होंने बोला ये जुमलेबाजी कर रहा है, तो मैं कहता हूँ ऐसी जुमलेबाजी तो मैं 50 बार करूंगा। ऐसे मिनिस्टरों के स्टेटमेंट को देख करके कर्नल अजय कोटियाल ये प्रण देता है, अभी तक देश के लिए लड़ा हूँ, अब जनता के साथ में, युवाओं के साथ में मैं इस उत्तराखंड के लिए लड़ूंगा। सारे अखबार में, सारी मीडिया में ये खबर है कि अजय कोटियाल ने एक घोटाला हाईलाइट करा है, उस पे केस करो, कार्रवाई करो। तीरथ सिंह रावत जी है, उन्होंने बीच में कहीं बोला था इस केस के बारे में, कहते हैं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब रेखा आर्या जी जो मिनिस्टर है और खुलेआम बोल रही है कि इस केस में कोई दम नहीं है, जो भी उनका इंटरेस्ट होगा, ये तो पक्का है कोई बगैर इंटरेस्ट के ना कोई भी ऐसे अगेंस्ट नहीं बोल सकता। तीरथ सिंह रावत जी जिन्होंने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनको भी हम कोई मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख करके बोलेंगे सर ये कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो? मैं सरकार से बात करना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने एक केस आ रखा है, अजय कोठियाल वो केस लेकर के आ रखा है और तुम शांत बैठे हो उसमें, मतलब तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। अखबार में आ गया, अखबार का मतलब ही होता है कि सारी दुनिया को बताया, और उसके बाद में तुम खुलेआम बोल रहे हो कि नहीं रेखा आर्या जैसी मंत्री जो है हमारी सरकार में रहनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं वाकई में सोचता हूँ जो मेरे को बोला जाता है, जो उन्होंने बोला ये जुमलेबाजी कर रहा है, तो मैं कहता हूँ ऐसी जुमलेबाजी तो मैं 50 बार करूंगा। कर्नल अजय कोटियाल वाकई में युवाओं की ताकत का चौकीदार बनेगा, और उस युवाओं की ताकत के चौकीदार बनने के लिए हमने संकल्प ले रखे हैं। उस संकल्प को लेकर के हम उस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं इंडियन आर्मी, जहाँ पे हमने वाकई में अपने साथ वालों का सर्वोच्च बलिदान होते हुए देखा है, जहाँ पे हम अंदर घुसे हैं, जिस जगह पे रह करके कर्नल अजय कोटियाल को मौका मिला है देश की सेवा करने का, आज उसी सिखलाई को लेकर के और ऐसे मिनिस्टरों के स्टेटमेंट को देख करके कर्नल अजय कोटियाल ये प्रण देता है कि अभी तक देश के लिए लड़ा हूं, अब जनता के साथ में, युवाओं के साथ में, जो आज सुबह जैसे मेरे पास आए थे, मैं इस उत्तराखंड के लिए लड़ूंगा। और उस उत्तराखंड के लड़ने के लिए ना अगर हमारी जान भी चली जाए तो मजा आएगा, हमको सब बोलेंगे उत्तराखंड के लिए हुआ था शहीद कर्नल अजय कोटियाल। रेखा आर्या जी बोल रही है अजय कोटियाल जुमलेबाज है, ड्रामेबाज है। मैंने ड्रामे करे हैं, लेकिन मैंने जिंदगी और मौत के ड्रामे करे हैं। मेरे गोलियां लगी है, वो गोलियां आज भी शरीर में है, वो वाले ड्रामे नहीं हो सकते, वो वाकई में हकीकत वाले ड्रामे हैं। इन हकीकत वाले ड्रामों को हमने और करना है। और सिंपल सी बात, अगर दोनों के दोनों कांग्रेस और बीजेपी अजय कोटियाल को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ड्रामा है ना, ये वाकई में सही ड्रामा है।